हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न के अंदर रूट सारन के साथ मेलेडी मेकर को किस तरीके से इंस्टॉल करें। सो आप देख रहे हैं एसेट वाइज। मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट इट। सब्सक्राइब कीजिए इस एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे मैकेनिकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो गैस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मेलोडी मेकर जिसे हम हमारे बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मेलोडी मेकर को इंस्टॉल करने के लिए आपको डबल हॉर्न की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलेगा, इसे फटाफट अनबॉक्स करते हैं अभी। तो जैसे हम इसे ओपन करें, आप देख सकते हैं कवर के अंदर मेलोडी मेकर आता है। तो आप देख सकते हैं ये वाटरप्रूफ नहीं होता है गैस, इलेक्ट्रिक का आइटम का। आपको अगर से आप पानी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कवर का इस्तेमाल करके आपकी बाइक को वॉश कराते समय इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको 7 टून्स आते हैं। मेलोडी मेकर आपको लगाने के लिए डबल हॉर्न की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अंदर आपको बहुत सारे कंपनी के आते हैं। तो कुछ लोग इसे अलग अलग नाम से जानते हैं मेलोडी मेकर, कुछ लोग कहते हैं हॉर्न रिले, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे हॉर्न कटोटर भी कहते हैं। तो चलिए, इसमें 4 वायर आते हैं। तो चलिए इसका वायरिंग का मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी वायरिंग करने के लिए आपको कुछ इतने साइज़ के 2 वायर चाहिए आपको। मेलोडी मेकर के अंदर आपको 4 वायर आते हैं, उसके बाद में भी आपको कुछ इतने साइज़ के वायर चाहिए। उसके साथ आपको हॉर्न क्लिपिंग भी चाहिए। तो उसके बाद में इस वायरों को थोड़ा सा छिल लीजिए। बहुत ही आसान तरीका मैं आपको सिखाऊंगा मेलोडी मेकर को लगाने का। तो इसको दोनों सेट को छिलने के बाद में, इसे थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद में, हॉर्न की क्लिप आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो कि आपको 5 रुपीज़ के अंदर आपको 2 मिल जाते हैं हॉर्न की क्लिपें। तो इसके अंदर हम मामूली वायर को हॉर्न की क्लिपिंग के साथ अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। आप हमारा वीडियो देखकर घर पर आपकी बाइक में मेलोडी मेकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को खूब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो 2 वायरों में तैयार हो चुके हैं मेलोडी मेकर में लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने क्लिपें भी लगा लिया। क्लिप पे लगाने के बाद में इसके दूसरे वाले साइड को भी छिल लीजिए आप, जो वायर हमें क्लिप लगाई थी उस वायरों के पीछे वाले साइड को भी छिल लें, ताकि हम इस मेलोडी मेकर में लगा सकें। तो आप देख सकते हैं गाइस, मेलोडी मेकर में आपको 4 वायर आती हैं। तो इसके अंदर आपको ये येलो वायर और काफ़ी वायर आपको 2 अलग कर लेना है। तो इसको चलिए हम इसे छिल लेते हैं। काफ़ी वायर और येलो वायरों को, 2 वायरों को हम छिल लेंगे, जो कि आपको ये लास्ट में और वो लास्ट में आएंगे। तो येलो वायर को हम जोड़ देंगे सिंपली इस वायर के साथ, ये हॉर्न के साथ कनेक्ट होने वाली वायर है येलो वायर और काफ़ी वायर। तो इसलिए हम इस क्लिपें वाली वायर को इस काफ़ी वायर के साथ और येलो वायर के साथ जोड़ देंगे, ताकि हमें हॉर्न में लगाने में आसानी हो। हॉर्न की क्लिपें उसमें ही रहेगी तो बहुत ही आसान रहेगा। तो इसलिए आप हॉर्न की क्लिपों को लेकर अपने वायरों में लगा के बाद में लगाइए। तो बचते हैं उसके बाद में हमारे रेड और ब्लैक वायर। तो चलिए इससे पहले इसे आप टेप कर लेंगे, तो इसको शॉर्ट सर्किट का कुछ भी माजरा ना हो, इसलिए इसको प्रॉपर टेप कर लें। तो हम दोनों वायरों को टेप कर देंगे। टेप करने के बाद में बचते हैं गैस, आप देख सकते हैं येलो वायर जो है, काफ़ी वायर, दोनों हमारी जो वायर है ये हॉर्न में जाएंगे 4 वायरों में से। तो आप देख सकते हैं ये वाली वायर भी हॉर्न में जाएगी और ये वाली काफ़ी वायर भी हॉर्न में जाएगी। तो उसके बाद में बचते हैं हमारे ये 2 वायर, रेड और ब्लैक वायर। तो इसे आपको इंस्टॉल करना है बाइक के हॉर्न के मेन वायरों के साथ। तो चलिए हम इसे फटाफट इंस्टॉल करते हैं। अगर से आपने हमारा डबल हॉर्न इंस्टॉलेशन का वीडियो नहीं देखा, तो मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। अगर से आप देख चुके हैं तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी इसमें डबल हॉर्न इंस्टॉल कर लिया था, इसका वीडियो भी मैंने हमारे चैनल पर डाल दिया है। तो कटोटर को हम सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। मेलोडी मेकर को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन प्लेस रहेगी आपको साउंड चेंज करने के लिए और कुछ भी करने के लिए। इसे होल्ड करने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इस बेंडिंग वेयर को, जो कि आपको हार्डवेयर की शॉप में इजीली मिल जाएगा। तो ये मास्टर कंपनी का मेलोडी मेकर है गैस। अगर से इसमें आप अलग अलग कंपनी आते हैं, आप जो चाहे वो कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट्स कंपनी का भी आता है, मास्टर कंपनी का भी आता है, जो कि स्टैंडर्ड है। बाकी के आपको देसी भी आते हैं, वो आपको कम में मिल जाते हैं। तो मेलोडी मेकर के रेड और ब्लैक वायर को हम हॉर्न के मेन वायर के साथ जोड़ना होगा गैस। बहुत ही आसान इसकी वायरिंग है। अगर से आप इसमें रेड वाले वायर और उसमें ब्लैक वाली वायर लगाते हैं, तो उसमें कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप कोई सी भी वायर में कोई से भी आप लगा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है गैस। तो इसके दोनों वायरों को भी आप छिल लीजिए, मेन वायर हॉर्न की मेन वायर हैं। तो दोनों वायरों को आपको कट नहीं करना है, ताकि इसके अंदर वाली तान जो है वो हमें बाहर दिखे, उतना सा थोड़ा सा छिलना है उसको। उसके बाद मेलोडी मेकर के 2 वायर आते हैं, रेड और ब्लैक वायर। तो वो मेन वायर होते हैं मेलोडी मेकर के, तो इसी वजह से इसके हॉर्न के मेन वायरों के साथ आपको 2 वायरों को जोड़ देना है। उसके बाद में हमारा येलो और काफ़ी वायर जो आते हैं, उसे हमें हॉर्न के साथ जोड़ना होता है। तो उससे पहले हम इसे फटाफट टेप कर लेंगे, जो उसने हमने मेलोडी मेकर को और हॉर्न के मेन वायरों के साथ कनेक्शन किया था, ताकि हमारा जो शॉर्ट सर्किट का माजरा ना हो। तो आप देख सकते हैं हमारे मेन वायर कनेक्शन हो चुके हैं मेलोडी मेकर के साथ। उसके बाद में हम इसकी येलो और काफ़ी वायर को हॉर्न के मेन वायरों के साथ अटैच कर देंगे। आप चाहे तो इसमें भी लगा सकते हैं गैस, हॉर्न के कोई सी भी वायर में कोई सी भी वायर को लगा सकते हैं, बिकॉज हमारे 2 हॉर्न भी एक ही पावर को
कंज्यूम करने वाले हैं। अगर से आपके पास एक छोटा हरन एक बड़ा हरन रहेगा तो येलो वाली वायर को बड़े हरन में लगाइए और काफ़ी वाली वायर को मामूली हरन में लगाइए। तो हमारे पास तो सेम हरन है तो हम कोई सी वायर किसने में लगा सकते हैं, रूट्स के हरन में इस्तेमाल कर रहा हूँ गैस। अगर से आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लो गैस। तो उसके बाद में हमें और दो वायर चाहिए जिससे हम अर्थ कर सकें, आई मीन इसे अर्थिंग भी देना पड़ेगा आपको। कटोटर में चार वायर आते हैं आपको, आई मीन मेलोडी मेकर में चार वायर आते हैं, दो वायर आपको जाएगी हरन के मेन वायरों के साथ और दो वायर हमारी जाएंगी येलो वायर और काफ़ी वायर वो हरन के साथ। तो उसके बाद में आपको हरन का एक क्लिप वाली हिस्सा बचा रहता है, इस वजह से आपको एक वायर अर्थ करनी पड़ेगी जिसे हम अर्थ कर देंगे यहाँ पे हरन के हरन के बोल्ट के साथ, जो कि वो भी आपको अर्थ हो जाएगी। आपके चार से ही लगा रहता है क्लैंप, इस क्लैंप को आपको कुछ इसके अर्थिंग वाली वायर को इस क्लैंप के साथ आपको जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो हम एक ही जगह पे दोनों वायरों को जोड़ देंगे ताकि वहाँ से भी हमें कुछ छीना ना पड़े। तो इसके दोनों वायरों को हमें जोड़ लेंगे, अर्थिंग करने वाली वायर है ये, आप चार सी पर भी दे सकते हैं, आप जहाँ चाहे उसे अर्थ कर सकते हैं। आप अगर से चेक करना चाहते हैं तो आप अपनी चार सी पर लगा के इसे चेक कर सकते हैं। अब अगर से आप काम पे आपकी बाइक की चार सी पे इसे लगाते हैं तो एक ऑटोमेटिकली अर्थिंग हो जाएगा, अर्थिंग होने के बाद में आपका हारन जो है वो चलने लग जाएगा। तो हम सिंपली हम यहाँ पे हारन के बोल्ट के साथ ही इसको अर्थ कर देंगे, बहुत ही आसान रहेगा ये इस वजह से, और देखने में भी ज़्यादा वायरिंग का कुछ भी इसमें जुगाड़ी नहीं दिखेगा। इस वजह से हम इसके वायरिंग को यहाँ पे लगा के इसके नट को टाइट कर देते हैं। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है हमें और बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसी वजह से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो उसके बाद में हमारे इसकी अर्थिंग वाली बार दूसरे हरन पे भी लगा देंगे। तो अब लगाने के बाद में आप देख सकते हैं मेलोडी मेकर को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। उसके बाद में हम इसे इंस्टॉल करने के लिए लेंगे बाइंडिंग वेयर जो कि आपको हार्डवेयर की शॉप में इजीली अवेलेबल होगा। तो गैस इसे आप वॉशिंग कराते समय आप कवर से इसको कवर के अंदर डाल के इसे वॉश कराइए, या फिर वहाँ पे उस जगह पे कुछ और चीज रख दीजिए ताकि इसमें पानी ना जाए। गैस पानी जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कोई सी भी कंपनी का आप ले लीजिए, रूट्स कंपनी का, फिर मास्टर कंपनी, कोई सा भी कंपनी का लेंगे तो आपको पानी जाते ही वो इलेक्ट्रिक का आइटम जो है ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा इसे पानी से बचा के रखना पड़ेगा। मैं तो अभी इसे फिलहाल लगा दे रहा हूँ, अगर से आप वॉश कराते हैं तो कुछ इस तरीके से कवर से पैक करके लगा सकते हैं। तो चले गए अब इसके साउंड को सुनते हैं फटाफट। तो की को ऑन करने के बाद हम इसके हारन की प्रेस को प्रेस करते हैं, आप सुन सकते हैं। तो गैस इसमें बहुत सारे 7 ट्यून्स आते हैं इसमें, तो उसमें अलग अलग 7 ट्यून्स आएंगे। चले मैं आपको सुना देता हूँ, ये फर्स्ट वाला है, ये रहा दूसरा, और ये तीसरा। और तो हम इसमें अब नॉर्मल में रखेंगे इसको, और ये रहा हमारा पहला, और ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा। तो अब इसमें आप सुन सकते हैं, अभी हमें इसे स्लो में रखा है, ये स्लो में बज रहा है। तो टोटली आप 7 टूल्स में आते हैं, आपको जो पसंद है आप उसे लगा सकते हैं। आप सुन सकते होंगे ये स्लो में, ये नॉर्मल में, ये फास्ट में, आप जो चाहे जिसमें आपको जो टून पसंद रहेगा आप उसे लगा लीजिएगा। साउंड तो इसका बहुत लाउड है, उसकी म्यूजिक भी आपको बहुत लाउड है। इसमें स्लो नॉर्मल फास्ट तीनों आता है, आप जिसे चाहे उसे लगा सकते हैं। मेलोडी मेकर को इंस्टॉल करना आप सीख चुके होंगे, वो गैस बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप समझ सक चुके होंगे। तो हम यही ट्यून को रहने देंगे हमारे बाइक में जो कि बहुत ही बेहतरीन है। सो आप समझ चुके होंगे गैस। सो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स में, कोई भी सवाल रहता है नीचे कमेंट कर दीजिए। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।